अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। की हाल चाल है तुहाडा? उम्मीद है जी तुसी ठीक होवोगे। तो अल्लाह के फजलो करम नाल मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह की जात पाक दा। जनाब सुबह की रूटीन है, तकरीबन टाइम हो रहा है 6:30 बजे का, और ये अभी बाबा अभी नहीं लाए, रात को बेटा जब आप सोए थे तब लेके आए थे, आप सो गए थे। तो जनाब आज है मुस्सा को छुट्टी, सैटरडे का दिन है, और मैं क्या चलो नाश्ता बनाने हैं। मुस्सा उठ हो गया है, फातिमा लीजा तैयार हो रही हैं, और ये देखें जी मुस्सा का पेपर है सुबह, तो मुस्सा ने चाह चढ़े ने हैं। और आज मेरा था इरादा कि मैं ना ज़रा बच्चों को भेज के तो जल्दी सो जावांगी, तो देर ना उठांगी कि चलो मुस्तफ़ा भी सुता रहेगा, पर मुस्तफ़ा ने नालों नाल ही पेट से आपा पाना होता है। अब इसको भी नाश्ता करवाऊंगी, और उसके बाद ये चाय सिर्फ अभी अकील के लिए रखी है क्योंकि उन्होंने जाना है, तो बच्चों के लिए अभी है टाइम, अभी फातिमा उठी नहीं है और लीजा तैयार हो रही है। तो जनाब ये मैं आपको यहाँ दिखाने लगी थी, रात की तरी पड़ी है, मैंने कहा रखती हूँ पहले अपने देखने वालों को दिखाती हूँ। ये देखे छोटी छोटी प्लेट्स है मट्टी की, तुम आखना तुम मट्टी के बर्तन बड़े विखाते जे। तो जनाब मुझे ना मट्टी के बर्तन बहुत पसंद हैं, मट्टी के हांडियाँ, मट्टी के गिलास, और तो ये जनाब मेरी सिस्टर लेके आई है, वो सियालकोट गई हुई थी तो वो वहाँ से लेके आई है। तो कहती मैं 8 प्लेटें लाई थी टोटल, 4 तुम रख लो 4 मैं रख लेती हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि उसकी गाड़ी में सामान और भी था वहाँ से, चावल शावल कई चीज़ें लेके आई है, तो वो ये प्लेट्स मेरे लिए लाई थी, मैं अभी इनको रखने लगी थी। तो मैंने कहा पहला चलो अपने व्यूअर्स नाल विखा लेनी है उन्होंने, हुण रूटीन शेयर करो तो फिर विखाणियाँ पैंदियां ने, हुण कित्थे रखा, हो उत्ते रखनियां पैणियां, चलो हुण लीजा को रखवानी है एडा। और सुनाए जी आपका क्या हाल है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, मैं तब तक ना नाश्ता बना लूँ ठीक है ना, क्योंकि फिर मेरे मगर चढ़ जाना है, मेरे बंदे ने भी तो मेरे बच्चिया ने भी कि अभी तक नाश्ता नहीं बना। अकील साहब ने तो सिर्फ चाय पीनी है, उनको मैं चाय डाल दूं। यहाँ पे जनाब टाइम हुआ है तकरीबन, मैं टाइम ही सारे तुम दस दी रही हूँ, 1 बजे का ना 1:30 बजे का, बल्कि मैंने ना आलू गोभी बनाई है आज, और बच्चों का वेट कर रही हूँ, लेकिन बाहर मौसम इतना ख़राब है कि बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी है, तो बस मैं नहीं बच्चे मेरे टाइम ना पहुँच जाए, लेकिन बच्चे उन छुट्टी तो 1:45 बजे और बारिश शुरू हो चुकी है। आज मौसम ख़राबी की वजह से ना सना भी नहीं आई, इसलिए खाना जल्दी जल्दी बना के फिर सफाई की पहले, तो इसलिए आज भूख ज़रा जल्दी लागी। सुबह मैंने ना नाश्ता कोई नहीं इतना ख़ास कोई किया, इसलिए आज दोपहर में जल्दी खाना खाने लग गई हूँ। पहले सारे घर की सफाई की है, मुस्तफ़ा को ने लाया, अब वो सो गए तो हूँ उठा नहीं वाला है, लेकिन ना मौसम बाहर बड़ा ख़राब है, पता नहीं हूँ आज बारिश काफ़ी लग रहा है, तेज़ होएगी, शुरू तो हो चुकी है। ये देखें जी बर्फ़ पड़ रही, चुप कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, ओले पड़ रहे हैं, ये देखें जी, ओए होए 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 होए, ये देखे बर्फ़ के ओले, कुछ नहीं है, ये देखें जी बारिश बड़ी तेज़ है, ये बर्फ़ के ओले पड़े हैं, और मेरे बच्चे अभी तक स्कूलों नहीं जाए, मैनू बड़ी टेंशन होने लगी है, अल्लाह पाक खैर इस्लाम की लैके, रिक्शे वाला फ़ोन ही नहीं उठा रहा मेरा। कहाँ पे? कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं, कोई बात, डरते नहीं होते, बड़े बड़े वाले पे हैं, पता नहीं हूँ फिर ठंड एक किस्म। मेरे बच्चे आ गए जी, जी फातिमा तुम्हें क्या बुरा हाल किया है, भीगी लीजा यार, बच्चियों गिल्ली तरी हुई, पता नहीं शुक्र है ऊपर पेपर था, और ये सामने हो ना, तुम्हें मुंह दिखा, मास्क पहन ना,
ये आज लास्ट डे था जी स्कूल में फातिमा का। ये मेरा हाथ भी इतना बुरा होने लगा। पुत्र हाय सारी जैकटा गिल्लियां। रिक्शे के शीशे पे भी वो आ गई लाइने और ऊपर से फट गया कपड़ा। तो रुके थे कि नहीं? हां साइड पे रुक गए थे। देख ये तो मुझे दाश मारने डाई थी। इधर लाओ दिखाओ। इतनी चॉकलेट्स मिली सारी खा ली मैंने। थैलू दिखाओ। सीधी करके दिखाओ मेरी नजर सही तरह। कैमरे ब्लर जा रहे हैं। ये देखें जी क्या होगी। बहुत मजा आया। चलो कपड़े हाए नहीं मैं सदके। मेरी तो कुड़ी अगे बीमार रही है। मेरा शहजादा मैं सारी जो गिली होगी इसको मैंने रखना है। तुम सारा और रखना एडा कि यादा चढ़िया ने होना खराब है। मेरी बात सुनो कपड़े मोटे पहनो। चलो खाना दूँ आपको। कोई बात नहीं। इतने ज़्यादा ज़्यादा इतने बड़े बड़े हो गए। देखे जी मुस्फा लेके आया नीचे से बर्फ उठा के। हाँ वे लो ये पिघल के नहीं रही है। पिघल के नहीं रही। अम्मा इधर वीडियो में देना। लाइट बोल रहे दो। दिखाओ मुस्वा ये कहाँ से लेके आए बेटे। दिखाओ मुझे हाथ पकड़ के दिखाओ। स्वेटर सारा गिला हो गया। ये देखे जी अभी तक बच्चों ने चेंज नहीं कपड़े किए तो हम धूप भी निकल आई है। बारिश भी हो रही है ते आवे को हाल घर का की हो गया। ते बारिश भी अजे होने डी धूप भी निकल आई है। क्या तुम क्या दिखाने लगी हो। क्या क्या दिए दिखाओ गिफ्ट सारे। मैंने पता सी अज फातिमा का रंगी रंगाई आना है क्योंकि धोना ना प्लीज। नहीं धोंदी जी नहीं धोंदी। सीधे रख के दिखाओ ना। आई मिस हां बारिश भी ले गया तेरा मामा। ओए अम्मा नहीं वो देखना आप निकल गया। चल मेरे कार्ड भी प्यारे थे जो तुमने दिए हैं। उन्होंने मेरे गिफ्ट्स खोले नहीं। मैंने उनको ऑलरेडी खोल दिया था। देखे खाना भी खा लिया और फिर भी लाइट भी नहीं है। गैस क्या क्या हुआ। यू आर वो मैनू पता जिनी नाइस। यूनिफॉर्म है ना कूड़े छोड़ देने। चलो बेटे आओ अब। चलो सही है। दिखाना ये क्या लिखा है। लास्ट डे बड़ी। चल फातिमा आप कपड़े चेंज करो बेटे। धूप निकल आई है बाहर और बारिश पीछे ही ना लीजा थोड़ा थोड़ी खोली बाहर नजर ना आए अपे ने। बहुत नाराजगी का इजहार। ये देखें जी बारिश और साथ अल्लाह का करम देखे कि धूप भी। शुक्र है फातिमा का मुंह धुप गया। नहीं तो ला भी बेटे वो देखो ऊपर उसको साफ करो। ट्यूशन जाना है अकेडमी रिक्शा आने वाला थे। परसों फातिमा का पेपर है जी। सब दुआ करे अल्लाह ताला कामयाब करे। और ये फातिमा अपनी तारीफा समेट रही है। बिनिश ये बिनिश ने लिखा था। ये टीचर ने लिखा है और ये अर्ताशा ने लिखा है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड। मेरे को भी लिखा कुछ। मैं भी लिखा बड़ी होए तेनु पढ़ावा। ये मारिया ने लिखा है के मेरी जो बेटी है वो पेपर से दो दिन पहले भी ये मतलब अपनी फ्रेंड्स का भी सोच रही है। हैं मरियम ने लिखा इसका भी यूट्यूब चैनल। अच्छा साडा अपना तो बहुत। फिर मैं लिखूंगी मेरी एक बड़ी बेटी है वो पेपरों के दिनों में भी अपनी दोस्तों को और गिफ्ट्स को नहीं भूलती है। उसको सिर्फ अपनी सहेलियां चाहिए होती है। उसको पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं होती है। वो ये कहती है कि मैं जम्मी जद्दी पुश्ती लाइक फाइक हूँ। यार अम्मा वाली कड़ी गल है। चलो उठ तैयार हो मेरे बेटा अकेडमी। चलें जी अब शाम का टाइम हो गया है। बाहर ना मौसम हूँ बड़ा खुशगवार है। हवा चलन रही है। मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। आज अकील साहब गए हुए हैं वलीमे पे। भूख लगी है मैं रोटी देने लगी हूँ। वलीमे पे गए हुए उन्होंने नहीं करते ऐसे। मुस्वा कितनी बुरी बात है। ये देखें जी मुस्वा साहब पट्टी बांध रहे। मुस्वा पुत्र की होया पैर नू
पापा। हाँ जी। इसलिए उसने पट्टी कर ली। तो आपके पाँव पे क्या फट पड़ा है? दर्द हो रही है? सट होने लगी दर्द तेन होने डी है? क्या हुआ इधर पाँव को, क्यों ऐसे कर रहे हो? दर्द हो रही हो माड़ी खराश। ये देखे जी मेरी शहजादी थी फातिमा के लिए चाय बना के लाई है, क्योंकि फातिमा का परसों पेपर है मंडे को। फातिमा पढ़ रही है और साढ़े से चांद चाड़ रही है, तो इसलिए देख लें चाय। अगर मैं ये काम फातिमा को कहती तो मैं करती के लिए। हाँ फिर लीजा तेरे लिए करके ले आई, लीजा के लिए नहीं करती है। तो चाह हाथ से फड़ के भी थे ना शुक्रिया, ये नहीं कहा कि नहीं हाँ मामा मैं भी करती हूँ, उसने मुझे दी है। बस करेगा पामा हूँ तो चाह भी पीन लिया, मैं भी चखा, मैंने पढ़ा दो कोट पर बुरी बात। मैंने भी नहीं चाहिए तुम्हें कोई चीज देनी। हाँ जरा पानी तेन पिया पेट से निकाल के सही है की अज चीजा जो सही है जी। अल्लाह ताला तुम कामयाब करे, दुआ करें जी सब अल्लाह ताला फातिमा को कामयाब करे, पास करे, उसकी लापरवाही को दूर करे। मेरे चैनल को अब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल के ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी। मुसा की हो पैर में कुछ लगा लीजा सची मुची ये माँ सदके लगी है कोई चीज। चलें जी अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं। मैं अपने पुत्र का पैर वेख ला पेपर के बाद तुम्हें भी ले दूंगी कल दुकान के अंकल के पास, तुम्हें भी ले दूंगी। अंकल ने ना मुझे ये मार कर दी, मैं अंकल मास्टर की मुझे दे चलाने बैठ गए बाबा मेरे साल। कहते हैं बेटा नहीं ये अच्छी है ये, मैंने कहा अंकल मुझे नहीं चलानी आती, मैं सिखा दूं। वो बाबा के मतलब वो परले रोड वाले ना जो थे, हाँ वो बाबा दोस्त हैं। चले जी मेरे पुत्र को पट्टी बांध दो, फिर मैं अल्लाह हाफिज़ बोल दे पहले सबको। क्या करें? लाइक करें, शेयर करें, बेटा कितनी बुरी बात है ये। चलो सब्सक्राइब करें। हाँ मेरा पुत्र अपने डकी भाई बैंड है। सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें।